state and district MIS coordinators from the states of West Bengal, Jharkhand, Assam, and Odisha. I once again take this opportunity and welcome you in this 2 days technical workshop on Unified District Information System for Education being jointly organized by UNICEF and National University of Educational Planning and Administration. Well, friends, we have achieved a lot, but still we have to achieve a lot more. Because of your active participation for the last so many years, U-DISE has reached to this stage. This could happen only because of your active participation, hard work. And we firmly believe that the deliberations in this particular workshop will further help us in improving the quality, consistency, and coverage of our data. We shall be discussing a few areas of concern. Definitely, if due consideration is given, we will help us, we will further improve the quality of our data. Before we discuss all these issues, let me highlight some of the significant decisions which have been taken recently at the national level. उसके पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं जैसे आपको सबको पता ही है विस्तार में चर्चा करूंगा मैं 1994-95 में जब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाइस नहीं 1994-95 में जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हमारे देश में चालू हुआ था उस समय ये देखा गया भारत सरकार ने ये महसूस किया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इस स्थिति में नहीं है कि प्लानिंग मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो डीपीपी प्रोग्राम का है उसको सुचारू रूप से हम कर लेंगे तो ये डिसीजन किया गया क्यों नहीं एक कंप्यूटराइज एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए जिसका यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन वो स्कूल हो और यूनिट ऑफ डेटा डिसेमिनेशन हो डिस्ट्रिक्ट हो यह डिसीजन 1994-95 में किया गया था और इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने की जिम्मेवारी न्यूपा जो पहले नीपा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको दी गई और नीपा ने एमएचआरडी और यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया और तब से ही हम सब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी कंट्री में है उसको और अच्छा करने के दिशा के अंदर प्रयास कर रहे हैं हमने उस वक्त एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया था 94-95 में और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया आप सब लोगों के सहयोग से एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया गया था नेशनल लेवल पे और पहले ही वर्ष करीबन 65,000 स्कूल हमसे जुड़ गए दोस्तों डाइस का नाम प्रोफेसर वाईपी अग्रवाल ने दिया था आपको शायद पता होगा इसी महीने उनकी बरसी भी आ रही है और अगर हम प्रोफेसर लेट वाईपी अग्रवाल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सही मायने में तो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम हमारी डेटा की गुणवत्ता और क्वालिटी जिसके ऊपर छोटे मोटे प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं उसको और ठीक कर दें इससे बड़ी श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट प्रोफेसर वाईपी अग्रवाल के लिए शायद नहीं होगी आप मेरे से एग्री करेंगे तो दोस्तों हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं जो 94-95 में हम 65,000 स्कूलों में पहुंच गए थे जब सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम 2002-1 में शुरू हो गया उसके पहले तक डीपीपी में डाइस 18 राज्यों तक पहुंच गया था और 272 जिलों में भी हम पहुंच गए थे 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए थे उसके बाद में समय
पर डेटा की उपलब्धता को देखते हुए टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन डिसएग्रीगेटेड पैरामीटर्स ऑन ऑल द पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट लेवल, जब समय पर उपलब्ध हो गया तो भारत सरकार ने भी देखा क्यों नहीं इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जब सर्व शिक्षा अभियान चला तो हमने सभी राज्यों में, चाहे वो DPEP के राज्य हो चाहे जिले हो, उन सब तक ये डिसाइड किया गया कि उसको डाइस को एक्सटेंड कर दिया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय किया गया उस वक्त वो ये था, DPEP तो केवल प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था तो 2001 के अंदर डाइस को भी एलिमेंट्री लेवल तक कर दिया गया। लेकिन पूरे भारत को कवर करते करते हमें 5 साल लग गए और 2005-06 हमारा पहला वर्ष था जब पूरा हिंदुस्तान हमसे कवर हो गया, सभी 35 राज्य हमसे जुड़ गए, 10,40,000 स्कूल थे वो भी हमसे जुड़ गए थे। उसके बाद में आपको पता है 2007-08 में फिर न्यूपा को ये बताया गया कि आप डाइस जो अब एलिमेंट्री लेवल के लिए बन गया था अब उसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए एक्सटेंड कर दें। तो न्यूपा ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया, वो 2011-12 तक चला। दोस्तों, ऑनलाइन सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एंट्री ऑनलाइन स्कूल लेवल से हो, लेकिन जो सिस्टम हमने तैयार किया था जिसको सेमिस के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें ज्यादातर राज्यों में डेटा एंट्री वो राज्य स्तर पर हुई, सारे स्कूल से फॉर्म भर भर के आ गए और डेटा एंट्री राज्य स्तर पर हुई या कहीं कहीं जिला स्तर पर भी हुई, लेकिन एक भी जगह सेमिस में डेटा एंट्री स्कूल लेवल से नहीं हुई। तो जिस पर्पस के लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया था उसमें कोई खास मदद और सफलता नहीं मिली। फिर हमने भी देखा हमारे स्तर पर एक विद्यालय है 1 से 12 वाला, 1 से 12 कक्षाएं हैं, 1 से 8 कक्षाओं के लिए डाइस का फॉर्म जा रहा है, 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए सेमिस का फॉर्म जा रहा है, 1 के लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, 2 के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, 1 के रेस्पोंडेंट हेडमास्टर साहब, 2 के रेस्पोंडेंट प्रिंसिपल साहब, 1 यूनिक आईडी होना चाहिए हर स्कूल में। लेकिन हमने ऐसा सिस्टम तैयार किया उसमें एक ही स्कूल में 1 से 8 कक्षाओं के लिए एक कोड और 2 कक्षाओं के लिए दूसरा कोड, सेमिस का कोऑर्डिनेटर MIS कोऑर्डिनेटर स्टेट लेवल के ऊपर अलग से और डाइस का स्टेट कोऑर्डिनेटर अलग से। तो ये सोचा गया कि इसमें बहुत सारे ऊर्जा है, एनर्जी है, वो व्यर्थ हो रही है, देर इज लॉट ऑफ डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट्स विच वी आर मेकिंग टूवर्ड्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने हमारे स्तर पर ही 2010-11 में पौंडीचेरी के अंदर एक यूनिफाइड डेटा कैप्चर फॉर्मेट बना के उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया। और एक बताते हुए खुशी हो रही है, 2011-12 में वेस्ट बंगाल ने भी यूनिफाइड डाइस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को पहले से ही अडॉप्ट कर लिया। तो 2012-13 में हमने पौंडीचेरी और वेस्ट बंगाल में इसको सक्सेसफुली पूरे इम्प्लीमेंट कर दिया। इस बीच में भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई ये बताने के लिए कि पूरे स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक सिस्टम के लिए एक सिस्टम को कैसे तैयार किया जाए, कैसे डाइस और सेमिस को जोड़ के एक सिस्टम बनाया जाए, टू सजेस्ट द मॉडलिटीज एज हाउ टू डेवलप 1 यूनिफाइड सिस्टम फॉर एंटायर स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक सिस्टम। इस कमेटी ने भी यही सुझाव दिए डाइस और सेमिस को जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, 2012-13 पहला वर्ष था जब हमने यूनिफाइड डाइस को एडॉप्ट कर लिया, तब से ही डाइस को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के रूप में जाना जाते हैं, आप बेहतर रूप से इसको जानते हैं। पहले ही वर्ष में दोस्तों काम तो हमारा अच्छा चल गया, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ दिक्कत भी आई। डेटा कैप्चर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर से छापा गया था, SSA के जो MIS के अधिकारी थे उन्होंने छापा था,
डेटा को जनरेट कराने की जिम्मेवारी भी हमारे एसएसए के अधिकारी यानी कि आप लोग हैं उनकी थी, डेटा पंचिंग या डेटा एंट्री करने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की थी। कहीं ऐसा मैसेज चला गया ये सारा काम तो एसएसए जुड़े हुए अधिकारियों का है, एमआईए से जुड़े हुए अधिकारियों का ही काम है, इसमें आरएमए से या सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े हुए या एमआईए के अधिकारियों का कोई खास महत्वपूर्ण रोल, भागीदारी, पार्टिसिपेशन नहीं है। वो मैसेज कुछ गलत चला गया। हालांकि हमने 2012-13 के सारे आंकड़े 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालयों के इकट्ठे तो कर लिए, जिसमें 2,36,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के विद्यालय भी थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, आपस में सेमिस और डाइस के अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं ऐसे राज्यों में रह गई जहां पर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अलग अलग थे। लेकिन उन 17-18 राज्यों में जहां पर एसपीडी एक थे आरएमएसए और एसएसए के, वहां पर यह कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चला। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18 सितंबर 2012 को एक पूरा गाइडलाइंस, एक लेटर इशू किया था, उसमें लिखा हुआ गया था कि एसएसए और आरएमएसए के अधिकारियों की डाइस को कार्य करने में क्या क्या भूमिकाएं रहेगी, लेकिन कुछ कमियां रह गई। हमने फिर 13-14 में फिर आप लोगों से संपर्क किया और 13-14 में हमारा कार्य यूनिफाइड डाइस 13-14 का पूरे भारत में बहुत ही सुचारू रूप से चल गया, और 14-15 में तो पता भी नहीं चला कि आपस में कोई समस्याएं हैं क्या, कोई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है क्या। कहीं पर अभी भी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, उसको और ठीक करना चाहिए हमें, और अच्छी कोऑर्डिनेशन से जॉइंटली अगर हम इस कार्यों को करें तो डेफिनेटली जो यूनिफाइड डाइस है और अच्छा आगे बढ़ जाएगा क्वालिटी और कवरेज के हिसाब से। दोस्तों, आपकी मदद से ही पूरे भारत में सभी 680 जिलों में अब एमआईएस यूनिट की स्थापना हो चुकी है, आपको पता ही है। सभी 36 राज्यों में इंक्लूडिंग तेलंगाना जो अभी अभी नया क्रिएट हुआ है बाइफरकेट होके आंध्र प्रदेश से, वहां पर भी सभी 10 जिलों के अंदर एमआईएस यूनिट की स्थापित किया जा चुका है। यह भी आपको पता ही है, ये जानकर और भी खुशी होगी कि 5,000 से भी ज्यादा ब्लॉक्स के ऊपर अब यूनिफाइड डाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है और डेटा एंट्री भी वहीं पे हो रही है। हमारा सॉफ्टवेयर U-DISE सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली, टाइम टेस्टेड, मेन्यू ड्रीवन, एरर फ्री और विद लिटल और नो स्कोप फॉर मैन्युपुलेशन है। पूरे भारत के अंदर 5,000 से भी ज्यादा ब्लॉक्स में और 680 जिलों के अंदर यूनिफाइड डाइस का सॉफ्टवेयर 94-95 से कार्य में लिया जा रहा है। ये कोई कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि आप सबके सहयोग से जो हमने अचीव की है, जो डेटा को इकट्ठा करने में और डिसेमिनेट करने में इतना गैप होता था, आप लोगों ने उस गैप को इतना कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक साल से भी कम का गैप रह गया है डेटा को इकट्ठा करने में और डिसेमिनेट करने में, और ब्लॉक लेवल पे जहां पर डेटा एंट्री हो रही है, जिला लेवल पे जहां पर डेटा एंट्री हो रही है और राज्य स्तर पर ये गैप, टाइम लैग इन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज ओनली फ्यू मंथ्स, ये कोई कम बात नहीं है। मिरेकल किया है आप लोगों ने, जादू कर दिया है, लेकिन अभी बहुत सारी इश्यूज है हमारे सामने, अगर उसको हम ध्यान दें तो हम और भी अच्छा कर देंगे। आपका डेटा अब हर डिसएग्रीगेटेड लेवल जहां पर उपलब्ध होना चाहिए अब उपलब्ध है, चाहे वो स्कूल लेवल हो, क्लस्टर हो, ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, राज्य हो या नेशनल लेवल हो। आपको पता ही होगा 2014-15 में हम लोग 15,18,892 स्कूल तक पहुंच गए थे। हमारे पास में करीबन 7,200 ब्लॉक से डेटा आता है, हमारे पास में करीबन 82,000 क्लस्टर्स हैं, हमारे पास में करीबन 5,94,000 गांव भी है जहां पर प्राइमरी स्कूल या दूसरे स्कूल्स हैं जो डाइस से जुड़ गई हैं। आप सोच सकते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इकट्ठा करते हैं टीचर्स के बारे में, 8.5 मिलियन टीचर्स, 85 लाख टीचर्स का डेटा भी हमारे पास में है। तो ये सारी उपलब्धियां आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए
इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने अब ये डिसाइड किया है, जैसा आपको पता ही होगा कि 2012-13 के बाद में स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी पब्लिकेशंस MHRD निकालेगी वो सारे के सारे केवल यूनिफाइड डाइस डेटा के बेसिस के ऊपर होंगे। इसका मतलब हुआ हमारे डेटा को ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स की मान्यता मिल गई। ये कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों की जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। हमारा डेटा अब ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स बन गया है। सारे पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग विद इन द MHRD जो पब्लिकेशंस लेके आती थी, सेलेक्टेड एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो प्लानिंग मॉनिटरिंग और स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है MHRD में, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, वो सारे पब्लिकेशंस बंद कर दिए गए हैं और आपका डेटा ही अब ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है और सारे पब्लिकेशंस में उसी को यूज में किया जा रहा है। यह कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। दूसरा निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है, आपको शायद पता होगा, 8th ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो लेटेस्ट है, अभी उसके आंकड़े भी पूरे आने आए हैं। 2009-10 लेटेस्ट था, अभी उसका फ्लैश स्टैटिस्टिक्स ही आ पाया है, बाकी अभी नहीं आ पाया है, जबकि डाइस तो 15-16 में आने की तैयारी में भी है। और मुझे ये बताते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स हमारे स्टेट हमारे ग्राउंड लेवल से आ रही है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यूनिफाइड डाइस 2015-16 का कार्य पूरे भारत में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। डेटा कैप्चर प्रिंट हो गए हैं, स्कूल तक पहुंचा दिए गए हैं, बहुत सी जगह वापस इकट्ठे कर लिए गए हैं, ज़्यादातर जगह पर चेकिंग चल रही है और एक दो स्टेट और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये काम पूरा भी हो गया है। 2015-16 का आंकड़ा 30 सितंबर 2015 डेट ऑफ रेफरेंस को आपने इकट्ठा किया है और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में सारा डेटा इकट्ठा हो गया है और वेरिफिकेशन चल रहा है। कर्नाटक ने इस बार एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है। हमारे पास में अभी कोई चारा नहीं है कि जो डेटा एंट्री सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो कर्नाटक ने एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बना के अपने CRP यानी कि CRC को दे दी गई है। वो हर स्कूल में जाएंगे और लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड से उसको लिंक किया गया है, स्कूल में जाके ही रिकॉर्ड से वो उस डेटा को वेरीफाई करेंगे और वहीं पे उसको सत्यापित करेंगे। ये कार्य कर्नाटक में चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है आगे 2-3 वर्षों में बाकी राज्य भी इस कार्य को करने लग जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे की। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है, अब के बाद अगर ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो जो स्कूल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन डाइस में है, उसके ऊपर वापस इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी जो स्कूल बेस्ड नहीं है, जो डाइस में नहीं है, जैसे नंबर ऑफ हैबिटेशंस, Having schooling facilities, primary within 1 kilometer, 3 kilometer, higher secondary 5 kilometers, ऐसी information ही All India School Education Survey अगर होता है भविष्य में तो ऐसी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। दोस्तों, आपके प्रयास से MIS यूनिट स्थापित हो गया, आपने डेटा को गैप को इतना कम कर दिया, टाइम लैग को इतना कम कर दिया, डेटा इज नाउ अवेलेबल एट ऑल द डिसएग्रीगेटेड लेवल्स और हमारा स्टेटिस्टिक्स है वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक भी बन गया। अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है। हमारा डेटा केवल हम लोग ही नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्लान बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, हमारा डेटा हर दूसरे जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, वो भी इसको यूज करने लग गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा डेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि हमारे डेटा में अभी और क्या क्या संभावनाएं हैं उसको ठीक करने के लिए। पहला बात तो अभी यह है, अभी हाल ही में इसी वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के विद्यालयों के लिए, उसमें आपका डेटा ही है। उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कोई भी विद्यालय या कोई स्टूडेंट उस विद्यालय का स्कॉलरशिप पाना चाहता है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उस स्कूल का यूनिफाइड डाइस कोड होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो नहीं कर सकते। तो पहला बात तो अभी ये हुई है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, हमारा डेटा एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है।
लेकिन दोस्तों आपको पता है अभी हाल ही में हमने एक टोल फ्री नंबर लिया है 1800116200। जब से हमने ये टोल फ्री नंबर लिया है हमारे पास में पूरे भारत से प्रश्नों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। उसमें आप लोग भी प्रश्न कर रहे हैं, उसमें हेडमास्टर साहब भी कर रहे हैं, उसमें पब्लिक भी कर रही है, और वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पोर्टल के अंदर स्कॉलरशिप पोर्टल में एनरोल करना चाहता है वो भी हमसे ऑनलाइन जिस टोल फ्री नंबर के ऊपर संपर्क कर रहा है। अभी न्यूपा में अभी 8 लोग हम इसी कार्य से जुड़े हुए हैं। दिन भर सैकड़ों फोन आते हैं, वो किस तरह के फोन हैं इससे भी हमारे क्वालिटी के ऊपर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो थोड़ा सा पता चलेगा किस तरह के ये फोन आते हैं। पहला स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर रहा था। स्कॉलरशिप वाले ज्यादातर ये बात बता रहे हैं हमें कि साहब मैं क्या करूं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर मेरे स्कूल नहीं है, मेरा कोड नहीं है। ऐसा एक नहीं, 100 नहीं, कम से कम 1000 फोन आ गए और सभी राज्यों से आ रहे हैं। इसका मतलब है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स अभी भी हमसे सब नहीं जुड़ गई है, अभी भी हमसे छूट गई है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल। जहाँ तक एलिमेंट्री का सवाल है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सरकारी और एडेड स्कूल तो हमसे करीब करीब जुड़ी गई है, लेकिन अभी भी कुछ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तिब्बतियन स्कूल, मिलिट्री स्कूल, प्रोजेक्ट स्कूल्स, ये शायद हमसे अभी भी कुछ कुछ छूट गए हैं। लेकिन जहाँ तक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात है बहुत सारे विद्यालय और ऐसे राज्यों में जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ 11वीं और 12वीं वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं है बट दे आर पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन का पार्ट है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। उड़ीसा ने पूरा आश्वासन दिया इस बार कि हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कॉलेज तक पहुँच जाएँ। उड़ीसा में अगर आप देखें तो 11वीं और 12वीं का कवरेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और जो फोन हमारे पास में टोल फ्री नंबर पे आ रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में उनकी भी शिकायत यही है कि साहब हमारा स्कूल वहाँ पे नहीं है, हम कहाँ से कोड लें, हम उसको फौरन आपके पास में डाइवर्ट कर देते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल को ये कहा गया है कि तुरंत आप इंतज़ार नहीं करें, उनको 11 डिजिट का U-DISE कोड दे दें ताकि वो एनरोलमेंट अपना कर पाएँ और स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल पे उनका एनरोलमेंट हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग हमारा डेटा का अभी जो हो रहा है, MHRD ने हमें अभी schoolgis.in का एक पोर्टल बनाया है और भी बहुत सारे पोर्टल अभी 7 तारीख को लॉन्च होने वाले हैं, बाद में नवीन बताएंगे आपको ये कौन कौन से पोर्टल है। और एक तीसरा पोर्टल नहीं है, उसको जेंडर एटलस के नाम से जाना जाता है जो यूनिसेफ ने बनाया है, जो भी एक्सक्लूसिवली आपके डेटा यानी कि U-DISE डेटा के ऊपर ही आधारित है। उसके बाद में कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात, उन्होंने ये फैसला किया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स भी, पढ़ाने वाले टीचर्स भी अगर उनका नाम 3 साल तक U-DISE में है तो सरकारी नौकरियों में उनको भी थोड़ा कंसीडर किया जाएगा। तो U-DISE को ये मान्यता मिल गई है, ये केवल आज गुजरात में शुरू हुआ है, कल और भी जगह ये शुरू हो जाएगा। अभी आपको पता है बहुत से राज्यों ने, चाहे वो आसाम हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मिजोरम हो और बहुत से दूसरे राज्य भी हैं, उन्होंने U-DISE का कोड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए कंपल्सरी कर दिया है। अगर U-DISE का कोड नहीं होगा तो इस स्टेट बोर्ड से मान्यता शायद मिलने में बहुत कठिनाई हो सकती है, यानी इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स टू हैव यूनिफाइड 11 डिजिट U-DISE कोड। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब की है और इन सब वजह से अवेयरनेस हमारी डेटा के बारे में बहुत बढ़ रही है, यूज बहुत बढ़ रहा है, और जब लोग यूज कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ रही है तो हमारी डेटा के प्रश्न चिन्ह क्वालिटी के ऊपर भी लोग लगाते आए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक कर लें, हमारे डेटा काफ़ी ठीक हो गया है। 5 साल पहले का डेटा और आज का डेटा अगर आप मिला लें देखें तो आप देखेंगे रात और दिन का फर्क हो गया है क्वालिटी और कवरेज के बारे में। मेरे को और ज़्यादा इसमें आपको आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो एनुअल स्टैटिस्टिकल ईयर बुक आती है
उसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड डेटा है वो सब भी आपका यूनिफाइड डेटा ही है। इसके अलावा अभी एक टीचर्स पोर्टल बनाने जा रही है MHRD, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपका ही डेटा उसमें भी है। और अभी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने एक प्रोजेक्ट बड़ा सा लिया है, उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल टीचर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, गैप कितना है टीचर्स की रिक्वायरमेंट में और अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स में, उसमें भी एक्सक्लूसिवली U-DISE का डेटा ही है। इसके अलावा यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स को जो डेटा भारत सरकार देता है वो भी यूनिफाइड U-DISE का डेटा ही है। अभी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उनको भी ये निर्देश दिया गया है PMO के ऑफिस से कि आपको ही ये डेटा यूज करना है, डिसएग्रीगेटेड डेटा, तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ही हमारा डेटा ही यूज कर रही है। इसके अलावा MyGOV जो प्राइम मिनिस्टर का वेब पेज है, वहाँ पर भी अभी हमने आपका ही डेटा दिया है और जल्दी शायद वहाँ से भी हमारे टीचर्स को, हेडमास्टर साहब को स्कूल से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे डेटा का यूटिलाइजेशन पिछले एक वर्ष में जब से यूनिफाइड U-DISE और अच्छा हो गया है, क्वालिटेटिव वाला डेटा हो गया है, लोगों का भरोसा इसमें हो गया है, तब से चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, ये सब हमारा ही डेटा यूज में कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, इसके लिए मैं सब आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों अब इशूज के बारे में आते हैं, बहुत सारे इशूज हैं हमारे जिसको ऊपर धीरे धीरे बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने जो प्रयास किया उसकी वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता कुछ बढ़ गई है, लेकिन उसके पहले एक बिंदु और है। यूनिफाइड U-DISE का 15-16 का आंकड़ा या 14-15 का आंकड़ा जब आपने 15-16 में जनरेट कर लिया, उसके पहले आपने शायद अपनी मास्टर लिस्ट जिसको स्कूल डायरेक्टरी बोलते हैं अपडेट कर ही लिया होगा। जो स्कूल हमसे छूट गई थी उसको आपने जोड़ लिया होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जो स्कूल बंद हो गई उसको आपने डेटा जनरेट करने से पहले बंद कर दिया होगा। कुछ स्कूल अपग्रेड हो गई प्राइमरी से अपर प्राइमरी या अपर प्राइमरी से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से सेकेंडरी, उसको भी आपने अपने डेटाबेस में अपडेट कर लिया होगा। कुछ स्कूल मर्ज हो गए हैं बहुत से राज्यों में, जैसे राजस्थान में भी 16,000 स्कूल मर्ज हो गए, बाकी राज्यों में भी खूब सारे स्कूल मर्ज हो गए, उसकी जानकारियां आपने अभी भी आपने अपने डेटाबेस में भी जनरेट करने से पहले शायद ठीक कर लिया होगा। उसके बाद में ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट 15-16 को आपने प्रिंट किया होगा। अभी भी फील्ड में जाते वक्त अगर हमें यह लगे कि कुछ विद्यालय अभी भी हमसे छूट गए हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, केंद्र शासित यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले विद्यालय हो या स्टेट गवर्नमेंट रन विद्यालय हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट कैटेगरी एंड टाइप ऑफ स्कूल, वी हैव टू एंश्योर दैट वी मस्ट रीच ऑल द स्कूल्स इंपार्टिंग स्कूल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। अभी भी जब फील्ड में जाएं तो ये पता चले कुछ विद्यालय छोड़ गए हैं, हमेशा हमारी जेब के अंदर, हमारे बैग के अंदर 3 तरह के फॉर्म हैं, वो रहना चाहिए, और एज पर जो भी स्कूल हमसे हमें पता चले ये छूट गई है तो उसको ये खाली फॉर्म हमें दे देना चाहिए और बाद में हम इसको U-DISE कोड को जनरेट करवा देंगे। तो पहला मुद्दा तो ये है, अभी भी 15,18,892 स्कूल जुड़ने के बाद भी हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास में टोटल स्कूल कितनी है, और जो पोर्टल से हमारे पास में फीडबैक आ रहा है टोल फ्री नंबर से, उससे पता चलता है कि बहुत सारे स्कूल विशेष रूप से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल अभी भी हमसे छूट गए हैं। पूरा प्रयास इस बार हम करेंगे 2015-16 में कि ये छूटी हुई सारे स्कूल हमसे जुड़ जाएं। दोस्तों कुछ राज्यों में हमारे उच्च अधिकारियों ने ये निर्देश दे दिए हैं आप लोगों को कि हमें अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को तक DCF नहीं देना है। ऐसा कोई भी निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या न्यूपा ने नहीं किया है। हमें उन सब विद्यालय तक पहुंचना है, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, जहां पर 1 से 12 कक्षाओं की शिक्षा दी जा रही है। तो पहला कार्य तो हमें यह करना है। दूसरा, यह भी निर्देश कहीं कहीं दे दिए गए हैं कि इस बार आपको ऐसे विद्यालय जहां पर टॉयलेट नहीं है नहीं दिखाना है, ये निर्णय दे दिए गए हैं। ऐसे भी कहीं पे ये बता दिया गया है
कि हमें कोई भी रिपीटर नहीं दिखाना है, क्योंकि आरटी में लिखा हुआ है कि रिपीटर नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। अरे भैया आरटी में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यार, सब हम लिखा देंगे क्या? दोस्तों हमें तो वही दिखाना है जो स्कूल में है। हम ये पूरा प्रयास करें जो स्कूल में स्थिति है हम केवल वही दिखाएं, हम हमारे मन से या किसी के कहने से कुछ भी नहीं दिखाना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। डेटा जो भरा हुआ है, जो हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब ने, हेड टीचर ने भर के दिया है, उसको अल्टर करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, ये हमें किसी ने भी ये अकाउंटेबल नहीं बनाया कि ये ऑथोराइज नहीं किया कि आप उसको चेंज कर दें। उसको चेंज केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसको हमें भर के दिया है। ये डेफिनेटली हमें इस बार पूरा पूरा ध्यान लगाना है कि भरे हुए जो जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम नहीं, अगर हम आइडेंटिफाई करना है, हमें क्लस्टर लेवल पे 100% चेकिंग करना है, ब्लॉक लेवल पे 20% करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10% करना है, कुछ कमियां रह गई है तो आप लोग बीआरसी और सीआरसी की मदद से वापस स्कूल से पहुंचा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ठीक करा सकते हैं। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास में स्कूल का हेडमास्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आपको डेटा एंट्री करते वक्त अगर ये पता चले कि भाई 0 है या 6 है, 6 है या 9 है, इस तरह की छोटी मोटी कमियां फोन के ऊपर ठीक की जा सकती है। लेकिन बड़ी बड़ी जो वेरिएबल्स हैं, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं, उनको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हम कतई ये नहीं करेंगे, पहले भी कभी नहीं किया है, और हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपको भी ये नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों ये भी पता चला है, जो फीडबैक आ रहा है उससे ये पता चलता है कि हेडमास्टर साहब को हम हर बार कह रहे हैं। पहली बात तो इस बार आपने बता दी होगी, ये जो पॉइंट मैं बता रहा था उसके पहले एक दूसरा मुद्दा और है कि दोस्तों हमारा सारा फॉर्म तो भरा हुआ है, 99% फॉर्म तो भरा हुआ है, केवल एनरोलमेंट बाय एज, ग्रेड और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैटेगरी वो ही भरना है। तो जब पूरा फॉर्म ही भरा हुआ है और हमारी मानसिकता ज़्यादातर यही होती है जब ये फॉर्म भरते हैं तो केवल वो देखते हैं कि खाली स्थान कहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक कहाँ है, केवल उसी को देखते हैं, और जो भरा हुआ प्रिंटेड फॉर्म है उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। तो ये ट्रेनिंग में पूरा लगाना चाहिए था, अगर ट्रेनिंग हो गई है तो अभी भी किसी भी तरह ये मैसेज पहुंचा सकें कि भैया भरे हुए फॉर्म को भी चेक करवाना है और जहां भी गलतियां हैं उसको लाल सही से उसको ठीक करवा दें। ये कार्य हमारे हेडमास्टर साहब बहुत ही अच्छे से करते आए हैं, हमारे सीआरसी भी रेड इंक से उसको गोला करते आए हैं। लेकिन दोस्तों जो मैसेज हमारे पास में आ रहा है उससे पता चल रहा है कि जो करेक्शन रेड इंक से गोले किए हैं वो डेटा एंट्री में ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि टोल फ्री नंबर में सैकड़ों ऐसे फोन आ गए जो कह रहे हैं साहब मेरा तो स्कूल का नंबर गलत है, नाम ही गलत लिखा हुआ है, मैनेजमेंट गलत है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 3 साल पहले ठीक कर दिया था, क्या साहब बार बार आपका डेटा कैप्चर फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो मैं बार बार गोले किए जा रहा हूँ। इसका क्लियर कट मतलब है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हमारी पूरे पूरे करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें पूरे एरर रह जाती है। इस बार पूरा प्रयास करें 2015-16 में कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर भी नजर रखी जाए, चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन नीचे से ठीक होकर आई है वो वास्तव में डेटा एंट्री करते वक्त ठीक की है या नहीं की है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे एक नहीं अनेक खूब सारे फोन कॉल्स स्कूल के हेडमास्टर साहब से हमारे पास में आ गए कि साहब आप ऊपर वाले को बोलिए ना वो उसको डेटा एंट्री में ठीक करें, हमारे पास में बार बार वही इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर, जो सारे व्यक्ति यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं, ये कम मुद्दा नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हमें हमारी क्वालिटी को और ठीक करना है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे के ऊपर, हमें इस बिंदु के ऊपर बहुत ही सीरियसली अगर 2015-16 में हम काम करें तो डेफिनेटली हमारी क्वालिटी की डेटा की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। हमारे डेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया, घबराने की कोई बात नहीं, हमारे डेटा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, लेकिन छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और अगर इसको कोई ठीक करवा सकता है तो आप जैसे साथी जो जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं, राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, ब्लॉक लेवल पर इसको ठीक करवा सकते हैं, और संकुल स्तर पर या क्लस्टर लेवल पर इसको मैसेज को पहुँचा सकते हैं, और फाइनली स्कूल लेवल तक इसको ठीक करवाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्यादातर जो फॉर्म हमारे हेडमास्टर साहब भरते हैं, भरते वक्त किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड या रजिस्टर को रेफर नहीं करते हैं। अपने
हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भर दिया जाता है, और जब 5% रैंडम सैंपल चेकिंग वाले चेकिंग करने जाते हैं या दूसरा अधिकारी जाते हैं या और कोई स्कूल के अंदर जाते हैं स्कूल रिपोर्ट कार्ड को लेके, तो वेरिएशन को देखते हैं। वो वेरिएशन ज़्यादातर इसी वजह से है कि इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड बेस्ड नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हेडमास्टर साहब सभी स्कूलों में इसको इन्फॉर्मेशन देते वक्त रिकॉर्ड्स को रेफर करें। कुछ 19-20 रिकॉर्ड्स हमने तैयार किए हैं, सभी राज्यों के SPDs को हमने संपर्क भी किया है, काइंडली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी सो एज टू एंश्योर डेट ईच एंड एवरी स्कूल मेंटेन दीज कोर मिनिमम रिकॉर्ड्स। दोस्तों ये काम रातों रात होने वाला नहीं है, धीरे धीरे शायद हो जाएगा, और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे कि गुजरात ने ये 19 रिकॉर्ड्स हैं उन सब का सॉफ्टवेयर बना लिया है, और 4000 स्कूल्स को हेडमास्टर साहब को कंप्यूटर भी दे दिया है। ये कंप्यूटर उन विद्यालयों को भी दिए हैं जहां पहले से कंप्यूटर है। ये जो नया कंप्यूटर दिया गया है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द हेडमास्टर और द हेड टीचर और द स्कूल प्रिंसिपल। शुरुआत में ये केवल सरकारी स्कूलों को दिया गया है, और जब ये कंप्यूटर दिए गए हैं तो इसमें स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो रिकॉर्ड्स है वो प्रीलोडेड करके दिए गए हैं, आपको वापस करने की कुछ जरूरत नहीं है, और ये सब क्लाउड बेस्ड है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लोकल कंप्यूटर के ऊपर कोई भी सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरुआत आज गुजरात में हुई है, और धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा डेटा भी रिकॉर्ड बेस्ड बन जाएगा, उससे हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी हमारे डेटा की गुणवत्ता को और अच्छा करने में। दोस्तों अब आपने जो प्रयास किए उसकी वजह से मैंने बताया कि हमारे डेटा की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों में अच्छी हो गई है। 2 वर्ष पहले बहुत सारे विद्यालय में ये बताया था कि उनका स्कूल एक दिन में 12 घंटे चलता है, 13 घंटे चलता है, बच्चे भी एक दिन में 11 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यालय ने स्कूल का डेज ऑफ फंक्शन कितने दिन चला था वो नहीं बताते थे, अभी भी है, अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ 0 डेज ऑफ फंक्शन बताया है। आप इसको जांच लें कि भैया ये नया स्कूल तो नहीं है, जहाँ खुल तो गया है, सेंक्शन तो हो गया है, बट अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, चाहे वो RMSM हो चाहे SSM हो। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो बिंदु अब हम चर्चा कर रहे हैं उसको जांच लें, परख लें, ठीक करने का नहीं कह रहे हैं, ठीक करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, ऐसे बिंदुओं को जांच के उसको एग्जामिन करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। ब्लॉक लेवल से क्लस्टर लेवल से ये पता करवा लें कि भैया ये ठीक है क्या, प्रीवियस ईयर में ये स्कूल एक भी दिन नहीं चला था, क्या ये ठीक है क्या। छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से हमारे डेटा के गुणवत्ता क्वालिटी के ऊपर रिलायबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और आपकी मदद से हम ये चाहते हैं कि इसको और ठीक कर दिया जाए ताकि हमारी क्वालिटी और अच्छी हो जाए। दोस्तों कुछ बिंदु अब जैसे चर्चा करते हैं हम, आपकी वजह से ही अगर आप अपना डेटा देखें तो आप देखेंगे नो रेस्पॉन्स जो पहले खूब बहुत ज़्यादा हुआ करता था ऑलमोस्ट नील हो गया। नो रेस्पॉन्स थाउजेंड्स में होता था जो अब 2 डिजिट में आ गया पूरे भारत के अंदर, 15 लाख 16 हजार 892 स्कूल में। ये कम महत्वपूर्ण नहीं है नो रेस्पॉन्स ज़्यादातर वेरिएबल्स में, लेकिन इन सब के बाद में भी अभी कुछ बिंदु है, जैसे एक एक थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी हमने ये देखा है कुछ स्कूल हमारी ऐसी है जहां पर लोएस्ट ग्रेड 1 है, उन स्कूल के अंदर ग्रेड 1 का एनरोलमेंट नहीं है, करीबन 10,000 स्कूल है ऐसी, लेकिन ग्रेड 2 का एनरोलमेंट है, 3 का है, 4 का है, 5वां है। आप जांच लें भैया ये ऐसा क्यों है, इन स्कूलों में ऐसा क्यों है कि ग्रेड 1 में तो लोएस्ट ग्रेड में एनरोलमेंट नहीं है बट जो अपर ग्रेड्स है उसमें एनरोलमेंट है, इसका रीजन क्या है। रीजन जानना हमारी ड्यूटी है, और उसको ठीक करवाना या जांचना या परखवाना ये BRC और CRC के मार्फत स्कूल वालों की ये जिम्मेवारी है, इसको हमें ठीक करवा लेना चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बहुत से स्कूलों ने ये बताया है कि वहाँ पर 2 हेडमास्टर साहब हैं, कहीं कहीं ने तो 3 भी बताया है, ये हो भी सकता है कहीं, इसको जांच लें क्या भैया 1 से 12 स्कूल में क्या 1 से 8 का एक हेडमास्टर अलग से है क्या, 9 से 12 का अलग से हेडमास्टर है क्या, 1 से 12 का पूरा कोई प्रिंसिपल साहब है क्या। आप इसको ठीक नहीं करवाएं, आप इसको जांचवा लें क्या स्कूल के अंदर 1 से ज़्यादा हेडमास्टर है क्या, तो उसको ठीक करवा लें।
बहुत से स्कूल अभी भी ये नहीं बता रहे हैं SMC और SDMC की पूरी पूरी जानकारी, बैंक अकाउंट सैकड़ों स्कूलों ने अभी भी नहीं बताया है, इसको भी हम ठीक करवा लें। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है जो हमारे डेटा के अंदर 1 से 10 है, लेकिन हम ऐसे भी रेस्पॉन्स आए हैं जहाँ पर आपने डाल दिया कोड 11, 12, 14। अरे भैया ये कौन से कोड है यार, इसको ठीक तो करवा लें, जांच तो लें कि कोड कहाँ से आ गए। इस छोटी छोटी वजह से हमारे डेटा की क्वालिटी खराब हुई जा रही है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, वो है एनरोलमेंट के बारे में। आपने जो प्रयास किए इतने सालों में उसकी वजह से जो 3 तरह का एनरोलमेंट बाई कैटेगरी, एज और मीडियम इंस्ट्रक्शन है, इन तीनों में पहले गैप इतना होता था, लेकिन आपने जो प्रयास किया है उसकी वजह से ये गैप अब इतना सा हो गया है। अब हम इस गैप को इतना करना है, ये आपसे निवेदन है, इसको आप भी ठीक करवा सकते हैं, आप भी चेक करवा सकते हैं। अगर स्कूल लेवल पे करवा लें तो आगे तो सब समस्याएं ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, हम तो घर में बैठे ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे एनरोलमेंट बाई एज ग्रेड, एनरोलमेंट बाई कास्ट कैटेगरी और एनरोलमेंट में मीडियम इंस्ट्रक्शन को देखता है तो कहता है क्या मजाक बना रखा है, इतना गैप आ रहा है तीनों में, एक ही स्कूल में एक जगह 420 एनरोलमेंट है, दूसरी जगह 400 है, दूसरी जगह 390 ही है, तीसरी जगह। इसको ठीक करवा लें, जचवा लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। आपने जो प्रयास किया उसकी वजह से हमारा एनरोलमेंट की क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ हैं। पिछले साल तक करीबन 8-10 राज्यों के अंदर ड्रॉप आउट रेट माइनस में आता था, रिटेंशन रेट 100 से ज़्यादा आता था, ट्रांजेक्शन रेट 100 से ज़्यादा आता था, लेकिन आपने जो प्रयास किया है इट इज़ नाउ रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट डेटा, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। इस बार ये जांच लें, ठीक करवा लें, दिखवा लें कि भैया एनरोलमेंट इन ग्रेड 3 दिस ईयर तो 90 है, बट एनरोलमेंट इन ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर वो तो 60 ही था, तो 60 से ये 90 कौन हो गए, ये एडिशनल 30 बच्चे कहाँ से आ गए सिस्टम में, इसकी जानकारी हमको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको ठीक नहीं करवाना है, ये 30 बच्चे कहाँ से आए ठीक करवाने का नहीं कह रहे हैं आपको, आप इसको जांच लें, क्या ये पड़ोस के स्कूल से आ गए क्या, प्राइवेट स्कूल से आ गए क्या, नया एडमिशन हो गया क्या, ये बच्चे कौन हैं। अगर इसी तरह का हमारा एनरोलमेंट रहा तो आपकी ड्रॉपआउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, ट्रांजेक्शन रेट, कंप्लीशन रेट, रिटेंशन रेट और बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसको डेफिनेटली हमें इसको एग्जामिन करवाना चाहिए। अब मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। अभी कुछ राज्यों में नए नए प्रयास किए गए हैं, इनोवेशन करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनोवेशन को पूरे राज्य में लागू कर देना या इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप पायलट कीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, एक ब्लॉक में कीजिए, 4 डिस्ट्रिक्ट में कीजिए, उसके बाद में पूरे राज्य में पायलट कर लें, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनोवेशन, दैट वुड बी मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की, जिन्होंने सरल अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है, पूरे महाराष्ट्र में इस बार यूनिफाइड डाइस का डेटा सरल के माध्यम से दिया जाएगा। सरल है वो, ऑनलाइन सिस्टम है, तैयार किया गया है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे डाइस का, यूनिफाइड डाइस का डेटा कैप्चर फॉर्मेट, और दूसरे सारे राज्य के जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले जो बिंदु है वो सब सरल में डाले गए हैं। सरल में हमारे U-DISE के फॉर्मेट को 76 स्क्रीम्स में बांट दिया गया है। पहले ऊपर के पर्टिकुलर आएंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, लास्ट में जाके आएगा एग्जामिनेशन रिजल्ट, और ये सब 76 स्क्रीन में आएगा, और ये पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गया। वहाँ पे कुछ टीचिंग प्रॉब्लम भी चल रही है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, हेडमास्टर साहब को करना नहीं आता है, स्कूल टीचर को करना नहीं आता है। महाराष्ट्र में इस वर्ष 15-16 में सरल के माध्यम से ही U-DISE का डेटा दिया जाएगा, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि साहब आप एक्सेल में ले लोगे क्या, हमने कहा हम तो नहीं लेंगे, हमें तो हमारा डेटा, हमारी जो टेबल्स है हमें तो उसी में चाहिए। फिर वो कॉमा सेपरेटेड वर्जन होता है, कॉमा CSV में ले लेंगे क्या, हमें कतई नहीं लेंगे, हम तो हमारा डेटा फॉर्मेट ओरेकल में लेंगे, अब पता नहीं किस तरह का डेटा आएगा। बट इस सरल के माध्यम से उन्होंने स्टूडेंट वाइज डेटाबेस को इसमें डाला है, और स्टूडेंट वाइज डेटा को
ऑनलाइन सरल पोर्टल में डालने की जिम्मेवारी क्लास टीचर को दी है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है पूरे स्कूल के फॉर्मेट जो बाकी जानकारियां हैं उसको डालने की जिम्मेवारी हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल को दी है, और तीसरी तो टीचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो टीचर को अकाउंटेबल बनाया है कि आप जाके इसको अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक करेंगे डालेंगे। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, टीचर को कंप्यूटर करना नहीं आता है, कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो स्पीड नहीं है, और स्पीड है तो बिजली नहीं है। भैया बहुत प्रॉब्लम है, मैं और मेरे दूसरे साथी मिस्टर रेड्डी है वो पूरा पुणे के अंदर महाराष्ट्र में बॉम्बे में और ये सब देख के आए हैं इसकी वजह। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और की है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई डेटा कैप्चर फॉर्मेट तैयार नहीं किया है। कहता भैया ऑनलाइन सिस्टम भरो आप वहाँ पे, एक स्क्रीन खोलो और करो। इसकी वजह से क्या हुआ है आपको पता है कि बगैर फिजिकल फॉर्म के डेटा कैप्चर फॉर्मेट को नहीं भरा जा सकता है। तो वहाँ पर साइबर कैफे ने अपना डेटा कैप्चर फॉर्मेट बना दिया और धड़ल्ले से सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं और हेडमास्टर साहब हैं उसको यूज कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड बाय ये साइबर कैफे, उसका कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये डेट नंबर वो भी है। हम तो वो भी यहाँ पे देख के आए हैं महाराष्ट्र में कि भैया एक बच्चे का डेटा भरने का एक बच्चे का भरने का रेट चल रहा है 25 रुपया, स्कूल का भरने का 400 रुपये, टीचर का भरने का भी 100 रुपया। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमने तो केवल इतना निवेदन किया कि एक सिस्टम जो 1994-95 से चल रहा है उसको ऐसे ही फेज आउट नहीं करें, पहले जो नया सिस्टम है उसको 2-3 साल चला लें। लेकिन हमारे सारे प्रयासों के बाद में भी, MHRD से निवेदन करने के बाद भी, स्टेट ने ये कहा है कि हम यूनिफाइड डाइस का डेटा आपको जिस रूप में चाहिए हम उस रूप में ही देंगे। एक तो ये हुआ, दूसरा अभी मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयास किया समग्र से, एक नया पोर्टल बनाया समग्र, उसमें मध्य प्रदेश में रहने वाले हर परिवार को एक यूनिक आईडी दी गई है, फैमिली आईडी। और फैमिली आईडी में जो 6 से 14 के बच्चे हैं या बाकी मेंबर्स हैं उन सबको भी एक समग्र आईडी दी गई है, यूनिक आईडी। और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि स्कूल रजिस्टर में, क्लास रजिस्टर में बच्चे के नाम के आगे समग्र आईडी होनी चाहिए। पिछले साल 2013-14 में समग्र और यूनिफाइड डाइस के अंदर 14 लाख का एनरोलमेंट में फर्क था, 2014-15 में 2013-14 से अगर मिलाएं तो मध्य प्रदेश में अब 11 लाख का फर्क है। उनका यह कहना है कि बच्चे के डुप्लीकेट एनरोलमेंट था, पड़ोस के स्कूल में पढ़ रहे थे, नाम यहाँ लिखा हुआ था, सिस्टम में नहीं था, एक बार एडमिशन हो गया, रजिस्टर में नाम लिख दिया गया तो वो एक साल के बाद, एक दूसरे साल, तीसरे साल, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ये वो नाम चलते ही रहे। मेरा भी पर्सनली ये मानना है अभी भी हमारा एनरोलमेंट का डेटा सही नहीं आ रहा है। अभी जो सेंसस ऑफ इंडिया ने डेटा पेश किया है उसके हिसाब से 38 मिलियन 3,80,00,000 बच्चे आउट ऑफ सिस्टम हैं 6 से 14 वाले, लेकिन हमारा डेटा तो कुछ और ही बता रहा है। 88% आपका NER है, 108% आपका GER है। तो ये बात थी, मैं बात ये कर रहा था कि एनरोलमेंट का डेटा अभी भी सही नहीं आ रहा है। इस बार हम ये प्रयास करें, स्कूल तक ये मैसेज पहुंचा दें, भैया वही बच्चे को नंबर संख्या दें जो वास्तव में स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो रजिस्टर से नहीं। रजिस्टर से तो कोई भी बंधु जाएगा, डेटा इकट्ठा करेगा तो उसको वही मिलेगा जो रजिस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन रजिस्टर में अगर सही नहीं है तो हम इसको एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स है हमारी उसको और अच्छा क्वालिटेटिव कैसे बना दें। हमारे पास तो ऐसा और कोई चारा है नहीं। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, स्कूल वाले से निवेदन कर रहे हैं, और टोल फ्री के ऊपर भी हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं, CRC से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, रजिस्टर में इतना लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? हमने कहा सच सच बताओ जो भी लिखा हुआ है कि साहब मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, घबराहट भी है, डरते भी हैं। तो एक चैलेंज है, इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी एनरोलमेंट का डेटा हमारे पास में सही नहीं आ रहा है। और एनरोलमेंट भी अगर सही नहीं है तो GER, NER, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो, ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटेशन रेट, ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट, कंप्लीशन रेट, इन सब का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो एनरोलमेंट के ऊपर निश्चित रूप से अगर हमें ध्यान लगाना है तो इस बार लगाना चाहिए। इसके बाद में
डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी स्कूल, नियरेस्ट जो एक नया वेरिएबल हमने डाला था उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है। अपर प्राइमरी से नियरेस्ट दूसरी सरकारी स्कूल कहाँ है उसकी उसका अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में पूरा नहीं आ रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो बहुत ही रोचक हमारा डेटा है, कहीं कहीं स्कूलों में अगर आप इसको मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे हमने लिखा है टीचर की क्वालिफिकेशन सेकेंडरी, लेकिन जब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो उसमें लिखा है वो टीचर बीएड एमएड। ये कैसे हो सकता है? सेकेंडरी का टीचर को हम बीएड और एमएड भी दिखा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से जांच लें, परखवा लें, इसमें भी बहुत सारी कमियां अभी भी है। फिर हमने ये भी पूछा है टीचर है हमारा साइंस या इंग्लिश कौन सी कक्षाओं तक पढ़ा है, उसमें हमने लिखा है कहीं पे 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन जब हम उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं वो तो ग्रेजुएट लिखा हुआ है। कौन सी कक्षा में, इसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको आप इसको ठीक करवा लें। दोस्तों एक दो और बिंदु है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बोर्ड एफिलिएशन, अभी हमने सभी राज्यों को बोर्ड्स को लिखा है कि आप अनिवार्य कर दें सेकेंडरी के बोर्ड्स में एफिलिएशन के लिए डाइस का कोड अनिवार्य कर दें। कुछ राज्यों ने ऑलरेडी कर दिया है, कुछ और अभी प्रक्रिया में है, और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर यू डाइस का कोड है वो पूरे भारत में 36 राज्यों में ये अनिवार्य होने वाला है। तब जो स्कूल हमसे छूट गई है, ये प्राइवेट स्कूल जो हमसे डेटा नहीं दे रही थी कुछ वर्षों पहले, अभी करीबन 3,50,000 स्कूल प्राइवेट एडेड और अनएडेड हमसे जुड़ गए हैं, वो भी हमारे पास में आके डेटा देने लग जाएंगे। और जो टोल फ्री नंबर के ऊपर या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे पास में स्कूल से जो फीडबैक आ रहा है उससे भी पता चल रहा है कि बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स हैं अब वो U-DISE कोड भरने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमसे संपर्क कर रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, अब हमें उनके पीछे ज़्यादा नहीं घूमना पड़ रहा है बल्कि वो हमारे पास में चल के आ रहे हैं, तो इसको भी हम इसको ठीक करवा लेना चाहिए। स्कूल एफिलिएशन का जो बोर्ड है सैकड़ों स्कूल ने दिया ही नहीं है, या तो CBSE होगा या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड होगा या स्टेट बोर्ड होगा, बहुत से ने लिख दिया है अन्य बोर्ड, तो इससे भी हमें परेशानी आ रही है। और बहुत से राज्यों ने ये भी कर दिया है जब बोर्ड का सर्टिफिकेट छपेगा तो उसमें स्कूल का नाम भी छपेगा U-DISE का जो होगा। और कुछ पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने भी हमसे संपर्क करके ये बताया है कि साहब मेरा सर्टिफिकेट तो बेकार हो गया क्योंकि मेरे साथ स्कूल का नाम ही गलत लिखा हुआ है। तो 2015-16 में ये प्रयास करें हम, जो नाम गलत है अभी भी हमें पता है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को GPS लिखा हुआ है, पूरा लिखवा लें एक बार में, सब ठीक करवा लें। स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की कैटेगरी कब रिकॉग्नाइज हुआ, कब अपग्रेड हुआ, एस्टेब्लिश कब हुआ, इस तरह की जानकारियां अगर एक बार ठीक करवा लें तो आने वाले समय में हमारे डेटा के प्रश्न चिन्ह लगने वो और कुछ कम हो जाएंगे। फिर आप बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द स्ट्रीम्स की, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में होता है, हायर सेकेंडरी में होता है। बहुत सारे स्कूल ने बताया ही नहीं कि उनके स्कूल में कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वोकेशनल में क्या क्या और क्षेत्र हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करवाई जा रही है। अगर स्ट्रीम्स ही नहीं दिया तो एनरोलमेंट इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स बाई स्ट्रीम वो भी सही नहीं रहेगा। अभी हमने भारत सरकार के कहने से हमारे U-DISE के अंदर वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रपत्र एक अलग से बना के डाल दिया है, और अगर आप हमारा ये U-DISE का सॉफ्टवेयर देखेंगे तो एक अलग से यूटिलिटी उसमें दे दी गई है। हालांकि केवल 3,000 स्कूल पूरे भारत के अंदर हैं जहां वोकेशनल प्रोग्राम जो भारत सरकार का है वो चल रहा है, बट आगे आने वाले समय में शायद इन स्कूलों की संख्या और बढ़ जाएगी। आप में से भी अगर वोकेशनल स्कूल का अगर हैं तो ये इंश्योर कर लें कि ये डेटा भी आप उसमें डाल दें। दोस्तों 5% है कई स्कूलों में, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ड्राइव का 100% से भी ज्यादा आ रहा है। 100 बच्चे थे, 120 पास कर दिए, इसको भी ठीक करवा लें, जांच लें कि भैया ये कैसे हो सकता है, तो जो असंभव बात है। बहुत से प्राइवेट स्कूल में हमने देखा है कि टीचर्स की जानकारी है वो पूरी नहीं आ रही है। 100 टीचर्स है, जानकारी केवल 10 टीचर की दे रहे हैं, 50 टीचर है, जानकारी केवल 5 स्कूल की दे रहे हैं, इसको भी ठीक करवाना चाहिए। एक छोटे से राज्य में जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के बच्चे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में करीबन 40,000 थे, डाइस के अंदर केवल 5,000 दिखाया गया है। इसका मतलब है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को भी जनरल क्लास में दिखा दिया जाता है, हर जगह नहीं, कुछ जगह पे इसको अगर हम जान चलें तो वो भी अच्छा रहेगा। रिलीजन एनरोलमेंट हमने 3 साल पहले डाला था, मुस्लिम एनरोलमेंट तो अब काफ़ी आपका ठीक हो गया है, सही डेटा आने लग गया है, लेकिन जैन, सिख, ईसाई, पारसी ये अभी भी डेटा पूरा नहीं आ रहा है। एक प्रयास करें इस बार
कि ये डेटा भी हमारे पास में सही सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कुछ और भी हमने ऐसे कार्य किए हैं जिसके ऊपर हमारे डेटा की गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एक छोटा सा बिंदु मैं आपको बता दूं, बहुत से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हमने एलिमेंट्री का एनरोलमेंट दिया है। अब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में एलिमेंट्री का एनरोलमेंट कैसे दे दिया? क्या आपने स्कूल को 1-12 इनिशियलाइज करने के बाद में, एनरोलमेंट भरने के बाद में स्कूल की कैटेगरी वापस चेंज कर दी क्या, 9-10-11-12 वाले कर दी क्या? ऐसा कैसे हो रहा है? इसको भी इसको ठीक करवा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्फॉर्मेशन ऑन लैब भी हमारे पास में पूरी सही सही नहीं आ रही है। टीचर का आंकड़ा मैंने आपको बताया था, 85 लाख टीचर के आंकड़े हैं, और कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इसमें से मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स के हमारे पास में मोबाइल नंबर भी है, लेकिन कुछ टीचर का मोबाइल नंबर तो 9 डिजिट में ही है, कुछ का 8 डिजिट में ही है। इसको ठीक करवा लें, जाँच लें इस डेटा को। अब बहुत सारे फॉर्म्स इंक्लूडिंग MyGov जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है उसमें भी इसको यूज किया जा रहा है। स्कूल का जो लैंडलाइन नंबर है बहुत सी बार वो भी 6 डिजिट में ही है, कोड नहीं दिया गया है, इसको भी ठीक करवा लें। पिन कोड, दोस्तों पिन कोड भी हमारे बहुत सारे स्कूलों का चेंज हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए, आप इसको जाँच लें। पिछली बार पिन कोड था 1110016, इस बार हो गया 1110049। इसको ठीक करवाने का नहीं कह रहा हूँ मैं, आप इसको जजवा लें कि पहले वाला गलत था या इस बार सही है, इसको अच्छी तरह से ठीक करवा लें। कुछ स्कूल ने स्कूल की कैटेगरी भी चेंज कर दी, पिछली बार कैटेगरी हायर सेकेंडरी थी इस बार केवल सेकेंडरी हो गई, पिछली बार एलिमेंट्री थी इस बार केवल प्राइमरी हो गई। स्कूल का मैनेजमेंट भी कुछ जगह पे चेंज हो जाता है, ये तो नहीं हो सकता, ये मैनेजमेंट सरकारी स्कूल तो प्राइवेट नहीं बन सकता, या प्राइवेट सरकारी कैसे बनेगा? अनएडेड स्कूल कुछ जगह पे एडेड बन सकते हैं, इसको जांच लें और परखवा लें। लास्ट में एक छोटा सा बिंदु और है, पिछली वर्ष हमने कुछ स्कूलों को बताया था कि वो अर्बन एरियाज में हैं, लेकिन 2014-15 में हमने बता दिया वो अर्बन से रूरल एरिया में हो गई। अगर ये जादू हम कर रहे हैं तो इसको जांच लें, करवा लें, ठीक करवा लें कि भैया पिछली वाला सही था या इस वाला सही है। रूरल का अर्बन तो हो जाएगा, बट अर्बन से रूरल में कैसे हो सकता है, इसको ठीक करवाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल कुछ ही बिंदु है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा आगे 2 दिनों में हम और भी ये सारे इश्यूज को डिस्कस करते रहेंगे। जैसा मैंने सुबह भी बताया था, इस वर्कशॉप का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपके साथ में जो सेमी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसकी चर्चा करें, और स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि मैंडेटरी नहीं है उसकी भी चर्चा करें, और अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहें तो न्यूपा की तरफ से हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको हमारे सर्वर का एक्सेस दे देंगे। आपको एक बार फिर धन्यवाद, और यूनिसेफ, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिसेफ एंड द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।